के बाद आपका स्वागत है। राजनीति में घटने वाली बड़ी घटनाओं के साक्षी राजनेता अमर सिंह काफी समय से बीमार हैं। वे सिंगापुर के अस्पताल में हैं, उनकी सर्जरी हुई है, मगर देश प्रदेश की राजनीति में होने वाली एक एक घटना पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। अमर सिंह ने सिंगापुर के अस्पताल के बेड से एक वीडियो जारी किया है, जिसकी शुरुआत उन्होंने देशवासियों को होली की बधाई देकर की है। अमर सिंह ने इस वीडियो में कांग्रेस की सिंधिया वंश के साथ धोखे की एक एक पोल खोल कर रख दी है। अमर सिंह वो नेता हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ राजनीति की है। वे राजनीति के हर दांवपेच बड़ी ही बारीकी से समझते हैं। उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक सफर में कई सरकार बनते बिगड़ते देखी हैं। वे समाजवादी पार्टी से राज्यसभा मेंबर रहे, वे राष्ट्रीय लोकदल में भी रहे हैं। इसके अलावा अमर सिंह के कई राजनेताओं से गहरे संबंध भी हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की राजनीति में जो भूचाल आया है, वे उससे खासे व्यथित नजर आए हैं और एक वीडियो जारी करके उन्होंने बताया है कि कैसे कांग्रेस ने बार बार सिंधिया परिवार को छला है। अभी जो सरकार संकट में है, उसके लिए अमर सिंह ने कमलनाथ और दिग्विजय को दोषी बताया है। 18 वर्षों तक अनवरत पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की सेवा की। ये ठीक है कि कांग्रेस ने उन्हें मंत्री बनाया, जिसके लिए उन्होंने अपने त्याग पत्र में सोनिया जी को और कांग्रेस को धन्यवाद भी दिया कि देश की सेवा करने का उन्होंने उन्हें अवसर दिया। लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि मध्य प्रदेश का चुनाव ज्योतिरादित्य के चेहरे पर लड़ा गया था? हो गया शिवराज, अब की बार महाराज। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का उनको प्रस्ताव दिया गया, जिसे उन्होंने विनम्रता से अस्वीकार किया। ग्वालियर चंबल संभाग में उन्होंने मात्र इतनी मांग की थी कि उनसे सलाह मशवरा करके प्रशासनिक और राजनीतिक काम हो, जिसको नहीं होने दिया गया। माधवराव सिंधिया ने मुझे भिंडे से टिकट दिलवा दिया था, उस टिकट को भी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने काटा था। ये भ्रांति है कि अर्जुन सिंह सदैव सिंधिया विरोधी रहे। अर्जुन सिंह जी और सिंधिया जी की मित्रता हो गई थी, मध्यस्थता मैंने की थी और अर्जुन सिंह ने निर्देशित किया था कि सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। सिर्फ सलाहकार थे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ अर्जुन सिंह के, उन्होंने बगावत करके माधवराव जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। सिंगापुर के अस्पताल से अमर सिंह ने मध्य प्रदेश की राजनीति पर यह बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि सिंधिया परिवार से मेरे पारिवारिक संबंध रहे हैं। उन्होंने बताया है कि विजया राजे सिंधिया को भी कांग्रेस छोड़नी पड़ी, इंदिरा की लहर में भी वो अपने पुत्र माधवराव को जिता कर लाई। अमर सिंह ने कहा कि क्या कारण थे जो राजमाता को कांग्रेस छोड़नी पड़ी, उसका खुलासा करने में आज देरी नहीं करनी चाहिए। आपको ये पूरा वीडियो दिखाते और सुनवाते हैं कि क्या कहा है अमर सिंह ने। सिंधिया परिवार से मेरे पारिवारिक संबंध बहुत पुराने रहे हैं। विजय राजे सिंधिया जी को भी कांग्रेस छोड़ना पड़ा और इंदिरा जी के लहर में अपने सुपुत्र स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के साथ वो अपने बलबूते पर जीत के आए। वो क्या कारण थे जिसके कारण वो कांग्रेस छोड़ी, इसकी मीमांसा आज भी करने में देरी नहीं करनी चाहिए। उसके पश्चात माधवराव जी जब आए अपनी माता का विरोध करके और कांग्रेस के कमर सिपाही के रूप में ग्वालियर चंबल संभाग, जहां पर कांग्रेस का नामो निशान नहीं था, वहां पर वो डटे रहे। माधवराव सिंधिया को भी कांग्रेस का टिकट तक नहीं दिया गया, तब बात जो करके उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस बनाया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।